हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डीपी की बात चल रही थी। डीपी मींस डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम, जिसमें फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा था। क्योंकि मेरे पास समय का अधिक अभाव है और फार्मास्यूटिक्स मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो फार्मास्यूटिक्स तो मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये मैं बेहतर पढ़ा सकता हूँ। और डी फार्मा सबसे स्टार्टिंग इनिशिएटिव स्टेप है फार्मेसी का, तो उसका फार्मास्यूटिक्स बहुत अच्छा होना बहुत आवश्यक है। चूँकि पिछले कुछ लेक्चर्स में जो दो लेक्चर आए वो फार्मेसी एज़ अ कैरियर एंड फार्मेसी एज़ अ प्रोफेशन, इस टाइप के कुछ लेक्चर्स आए जो कि आपके सिलेबस से कम रिलेटेड थे। डीपीई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए थे, डीपी वालों के लिए कम थे। सो एक पॉइंट जो आप लोगों ने सोचा होगा कि ये फालतू लेक्चर बना रहे हैं, स्किप कर दीजिए, तो फालतू लेक्चर नहीं है, आपकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट मैंने वो बनाया। और अब हम लोग फिर से अपने सिलेबस पे स्टिक होते हैं क्योंकि समय का सबके पास अभाव है। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फार्माकोपिया, ये आपके सिलेबस में साफ साफ हेडिंग है और यही मैंने अपने टॉपिक में भी रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम जानेंगे कि फार्माकोपिया क्या बला है। सो फार्माकोपिया हैज़ बीन द ऑथोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। ऐसे समझ लो कुछ देर के लिए कि फार्माकोपिया एक किताब नहीं, एक संगठन है जो कि इसलिए काम कर रहा है कि वो मेडिसिन की क्वालिटी को और कंसिस्टेंसी को बढ़ा सके। पॉइंट वन। पॉइंट टू, फार्माकोपिया इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, इट इज़ द स्टैंडर्ड बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। इसमें ही ड्रग की टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन सब कुछ की जानकारी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, द बुक इज़ पब्लिश्ड इन अ कंट्री अंडर द अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट। और ये या तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपनी खुद की, अब देश अपनी खुद की छापते हैं लाइक हमारी इंडियन, या फिर किसी की फॉलो करते हैं लाइक नंबर ऑफ कंट्रीज फॉलोड द USP। लेकिन पब्लिकेशन हर कंट्री में होता है उसके लिए, या पब्लिकेशन परचेज किया जाता है। नेक्स्ट, फार्माकोपिया इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन एंड कोपिया। फार्माकॉन मींस ड्रग्स एंड कोपिया मींस टू मेक मींस ड्रग बनाना है। मेन फोकस यहाँ ड्रग बनाने और इसके स्टैंडर्डाइजेशन पर होता है, और इसमें ही सारे केमिकल अशे मेथड होते हैं। मींस एक टेबलेट यदि हम आपको देते हैं और हम कहते हैं कि जरा पता करो इसमें कितनी पैरासिटामोल है, लिखा है 500 mg, है 500 mg, तो आप किसका रेफरेंस ले सकते हैं? आप आंख बंद करके देख सकते हैं कि वो USP को फॉलो कर रही, BP को फॉलो कर रही, या IPO को फॉलो। वो उसके जो बुक होती है ना टैबलेट, उसके पर्चे पे छपा होता है कि पैरासिटामोल टैबलेट BP या IP या USP। तो वो एक कंपनी की, मैन्युफैक्चरर या स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस पर लिख के दे, और फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसे चेक करें एज आर DI। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया या लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया। वी कैन नॉट कॉल इट अ स्पेसिफिक टाइप बिकॉज एवरी कंट्री हैज़ अ ओन फार्माकोपिया। नंबर ऑफ कंट्रीज की अपनी फार्माकोपिया हैं। वी विल डिस्कस फार्माकोपिया ऑफ सम कंट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अस नो अबाउट आवर इंडियन फार्माकोपिया। व्हेन डिड दिस बुक बिकम पब्लिक, विच एडिशन ऑफ इट इज़ रनिंग नाउ। तो ये हमारे सबसे मेन टॉपिक्स हैं, क्योंकि नोट्स जो हैं वो करेंट के बनाने की कोशिश मैंने की है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स मैं भी कर देता हूँ, तो ऑफिशियल्स से थोड़ा सा देख लेना। वैसे डिप्लोमा लेवल पे आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं खैर तीन फार्माकोपियाज की बात करूँगा और इन्हीं तीन की मेन मानी जाती है USP, BP एंड IP। सो हमें IP को मेन फोकस करना है क्योंकि आपके सिलेबस में IP स्पेसिफिकली मैंसनड है। सो IP इज़ पब्लिश बाई द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इसका अपना एक कमीशन होता है CIP या IPC ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और रिस्पॉन्सिबल कौन होता, वो जिसको स्वास्थ्य मंत्रालय बोलते हैं, हमारे कोरोना काल में बड़ा आगे माना गया इसको। नेक्स्ट, बंगाल फार्माकोपिया 1844। तो ये शुरू कैसे हुई थी, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो बंगाल फार्माकोपिया 1844, बट दिस बुक वाज नॉट मेड पब्लिक, जस्ट दिस नेम वाज कैप्ट। ये बुक पब्लिक नहीं की गई थी। 1844 में पहली बार हमारे देश में कोई जागा और उसने एक फार्माकोपिया बनाने की कोशिश की। फार्माकोपिया के बाद, बंगाल फार्माकोपिया के बाद लीगल एंड ऑफिशियल बुक पब्लिश की गई IPC के द्वारा 1945 में, क्योंकि अब हम लोग इंडिपेंडेंट होने लगे थे। नेक्स्ट,
इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो कि ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें चार पांच एग्जांपल दे देंगे, लाइक अभी मैं बना देता हूँ, नीमच, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, गाजीपुर, गाजियाबाद। राइट आंसर इज़ गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। इंडियन फार्मेसी कमीशन किससे रेगुलेट होती है, वो फिर चार दे देंगे, PCI, AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, एंड एक कोई डाल देंगे वो ऐसा लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कंफ्यूज हो गए, लेकिन यदि मैं ये वीडियो आप देखें हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट, इंडियन फार्माकोपिया इज़ रिटन इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ्स गिवन इन लैटिन। तो वो आपसे सीधा टाइटल ऑफ मोनोग्राफ्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो अगर MCQ आप लिख जानते हैं तो आंसर तुरंत दे देंगे, MCQ का मटेरियल जानते हैं, सॉरी। नेक्स्ट, इंडियन फार्माकोपिया इज़ बीइंग प्रोसेस्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो ये जब आए, इसके बाद IP की ज़रूरत पड़ी थी और तब ही हम लोगों ने नॉर्मल IP बनाई, इससे पहले जो थी वो सब ऐसी चल रही थी। इंडियन फार्माकोपिया विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। सो इन 1946 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट विच सर्वड एज द सप्लीमेंट ऑफ टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। पहले क्या था, हमारे पास अपना राजनीति था, 1946 में भी हमारे पास अपना राजनीति था, हम BP फॉलो करते थे, लेकिन 1946 या 1945 से चीज़ें छुड़ाने लगे थे, 40 से ही छुड़ाने लगे थे। तो छुड़ाना शुरू हुआ, PP में ये अमेंडमेंट किए गए, सप्लीमेंट किए गए। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, और आज़ाद होने के बाद हम लोगों को एक परमानेंट इंडिया कमेटी मिली। नेक्स्ट, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष। अब पहली कमेटी का चेयरमैन कौन था, डॉक्टर BN घोष। फर्स्ट एडिशन इन्हें ही लाया था और 1955 में लाया था, इन्हें भी इतना समय लगा था। ठीक, तो पहला MCQ वहाँ, दो तीन MCQ वहाँ मिल गए IP के, और फिर अब IP के MCQ बात हो रही, पूरे लेक्चर के MCQ बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये डॉक्टर BN घोष फर्स्ट चेयरमैन, इनके अंडर में पास हुआ दो तरह के MCQ। तीसरा MCQ कब पास हुआ, 1955 में। फिर अगला MCQ 1955 में कौन चेयरमैन थे, ऐसे भी पूछ सकते। डॉक्टर BN घोष कौन थे, ये प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी थे RG कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के, जो कि 1958 में जस्ट 3 साल के बाद मर गए थे, तो ये भी पूछ सकते हैं। आफ्टर डॉक्टर BN घोष, डॉक्टर B मुखर्जी सेकेंड डायरेक्टर कौन थे, डॉक्टर B मुखर्जी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के, CADRI के थे ये, वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। चीज़ें छुप गई हैं बट तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे याद है, मैंने लिखा है, मुझे दिख नहीं रहा है बट मुझे याद है। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी के सेकंड कौन बने थे, डॉक्टर B मुखर्जी, जो कि CDRI के डायरेक्टर थे। ठीक, नेक्स्ट, सेकंड एडिशन कब आया, सेकंड एडिशन आया 1966 में, और इसमें सप्लीमेंट कब हुए, 1975 में। ये सारे सन बहुत आवश्यक और बहुत इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट, ऑन 13 जून 1978 सप्लीमेंट आने के बाद द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। अब ये डेट आपके लिए फिर MCQ के लिए इम्पोर्टेंट, और डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में तो ये सीधे सीधे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपको तो वो राम कहानी लिखनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी MCQ कराती है तब तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि मैं MCQ के हिसाब का मटेरियल डिटेल ला भी रहा हूँ। क्योंकि आप अगर MCQ से पढ़ेंगे तो आप, मतलब ऐसा चलता है हमारे यहाँ कि अगर आप लॉन्ग पढ़ेंगे तो शॉर्ट कर लेंगे, ये एक थ्योरी होती है। नेक्स्ट, अगर आप MCQ पढ़ेंगे तब तो फिर आप सब कुछ कर लेंगे, ये माना जाता है। ठीक है, इसीलिए हायर जितनी भी जॉब्स होती हैं उन सब के जो टेस्ट होते हैं वो सब MCQ बेस्ड होते हैं, रिटन नहीं होते, क्योंकि रिटन में राम कहानी लिखी जाती है और चेक करने वाला भी राम कहानी के अंदाज में चेक करता है। 30 जून 1978 को IPC रिकन्स्टिट्यूट की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने की थी। एक बार फिर कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि हु रिकन्स्टिट्यूटेड, तो वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक कमेटी डाल देगा एक ऑप्शन, ठीक, एक PCI डाल देगा, एक UGC डाल देगा, एक AICTE डाल देगा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाल देगा, और लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डाल देगा। मतलब मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी MCQ ऐसे ही बनाऊंगा, और जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा फार्माकोपिया का, MCQ सेशन आपके लिए चालू हो जाएगा। डी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के जिनके MCQ पेपर होने हैं वो उसको देख सकते हैं, और DPE वालों के लिए वो फोकस्ड रहेगा। अंडर द चेयरमैन से
डॉक्टर नित्यानंद, डायरेक्टर ऑफ CDRI लखनऊ, तीसरा डायरेक्टर बदल गया। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, थर्ड एडिशन ऑफ IP वॉज पब्लिश इन 1985। ठीक, 1985 में तीसरा एडिशन आया। दिस फार्माक्यूकोपिया इंक्लूड टू एडेंडम विथ टू वॉल्यूम्स, मीन्स एडेंडम वॉल्यूम 1 टू इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड इन 1989। दे कंटेन लीगल नोटिस पर प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, जनरल नोटिस एंड मोनोग्राफ फ्रॉम ए टू पी सब सेक्शंस। अब यहाँ से MCQ बनाएंगे। ठीक, कि मैं अगर MCQ बनाऊँगा तो कैसे बनाऊँगा, कितने सब सेक्शंस थे, A to P, A to C, A to Z, A to N। अब अगर पता है तो आंसर लग गया। कब आया था, कब पब्लिश हुआ था, 1989, 1986, 1985। ठीक, इसीलिए ये स्पेसिफिक नॉलेज लेके आया हूँ। नेक्स्ट, दे कंटेन 46 न्यू मोनोग्राफ्स एडिड एंड 126 अमेंडेड। एमेंडम 2 यानी वॉल्यूम 2 वाज पब्लिश 1991 कंटेनिंग मोनोग्राफ्स फ्रॉम Q to Z, A to P वहाँ और Q to Z यहाँ। एंड दे कंटेन 62 न्यू मोनोग्राफ्स एडिड एंड 110 अमेंडेड। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। मानता हूँ कि रटनी पढ़ सकती हैं, लेकिन रटिए भी और याद भी करने की कोशिश करिए, जब कोई चारा ना हो तो रटिए। नेक्स्ट, फोर्थ एडिशन ऑफ IP वॉज पब्लिश्ड इन 1996 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेम डायरेक्टर डॉक्टर नित्यानंद। सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट बिफोर 2000 Who is the director who published the Indian Pharmacopoeia 2 times? Very easy question, अगर आप पढ़े हैं डॉक्टर नित्यानंद, और नहीं पढ़े हैं तो गए डॉक्टर BN घोष डाल देगा, चोपड़ा डाल देगा, पता नहीं कौन कौन, क्योंकि MCQ बनाने वाला ना मेरे तरह ही बता है, मैं भी MCQ ऐसे ही बनाऊँगा। नेक्स्ट, इन फोर्थ एडिशन एडेंडम फ्रॉम वेटरनरी प्रोडक्ट इन 2002, 2005 एंड सप्लीमेंट वॉल्यूम 1 A to P एंड वॉल्यूम 2 A to Z यहाँ सप्लीमेंट्स हुए 2002 में, 2005 में। द वेटरनरी सप्लीमेंट टू इंडियन फार्माकोपिया 1996 कंटेन 208 मोनोग्राफ। सो दिस कैन बी ऑल्सो आस्क्ड एज अ MCQ एंड दिस कैन बी ऑल्सो आस्क्ड फॉर द डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो यू शुड अंडरलाइन दिस। नेक्स्ट, फिफ्थ एडिशन ऑफ IP वॉज पब्लिश्ड इन 2007। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तब जन्म ले चुके थे लेकिन जानते नहीं थे। एंड एडेंडम टू दिस एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 2008। नेक्स्ट, फिफ्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया इज प्रेजेंटेड इन 3 volumes, 3 volume आए थे। फर्स्ट कंटेन जनरल नोटिस एंड जनरल चैप्टर। अब वो करेंट की चीज़ें आने वाली हैं इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। सेकेंड में जनरल मोनोग्राफ्स थे ऑन ड्रग सब्सटेंस, डोसेस फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड्स। वॉट इज मोनोग्राफ्स? मोनोग्राफ्स में कंप्लीट डिटेल्स होती हैं। मैं चाहूँगा, भले ही आप डिप्लोमा लेवल पे हैं, आपके लिए IP एक बड़ी बात है, बट आप एक बार उसको चेक जरूर करें। आपके पास IP नहीं है, कॉलेज ख़त्म हो चुका है, आप DP की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल नॉलेज के लिए कहानी की किताब पढ़ते हैं ना, उस तरीके से आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको IP दे दूँगा। मेरा WhatsApp नंबर आपके पास चैनल पर अवेलेबल है एंड वीडियो के लास्ट में भी आएगा, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको IP की PDF सेंड करूँगा और उसको एक बार देखें, मोनोग्राफ्स को देखें, बिकॉज वो जरूरी, भले ही आप मेडिकल शुरू हो लें। नेक्स्ट, सिक्स एडिशन ऑफ IP वॉज पब्लिश्ड इन 2010। आप तो सभी बॉर्न हो गए होंगे, जहाँ तक इससे पहले का कोई नहीं होगा। सो द सिक्स एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 2010 इट इज़ पब्लिश बाई द IPC। द इंडियन फार्माकोपिया 2010 इज प्रेजेंटेड इन द 3 volumes, सेम 3 volumes, पहले 2 थे फिर 3 हो गए। अब वॉल्यूम फर्स्ट कंटेन्स नोटिस, प्रीफेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द IPC। अब उनने अपने खुद के बारे में भी जोड़ना शुरू किया, एक्नॉलेजमेंट डाली, इंट्रोडक्शन डाला, जनरल चैप्टर डाले, सेकंड वॉल्यूम में जनरल नोटिस डाला, मोनोग्राफ डाले, डोसेस फॉर्म के मोनोग्राफ, ड्रग सब्सटेंस के मोनोग्राफ, चूँकि अब डोसेस फॉर्म भी काफ़ी आने लगे थे 2010 के बाद से, फार्मास्यूटिकल एड्स पे भी उन्होंने मोनोग्राफ डाला। नेक्स्ट, वॉल्यूम थर्ड कंटेन मोनोग्राफ ऑन ड्रग सब्सटेंस, डोसेस फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड्स N to Z, A to M तक सेकेंड वॉल्यूम में, और M के बाद क्या था, M, N to Z थर्ड वॉल्यूम में, फॉलोड बाई मोनोग्राफ्स ऑन वैक्सीन्स एंड इम्यूनोशेरा फॉर ह्यूमन यूज। अब बात ये कि आप अगर इस फार्माकोपिया में ये चीज़ें देखेंगे, मैं नहीं कहूँगा पढ़ेंगे, आप केवल वो चित्र देखिए, वो चीज़ें जो बनी हैं उसमें केवल वो सेक्शंस देखिए। नेक्स्ट, हर्ब्स एंड हर्बल प्रोडक्ट
ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड वेटरनरी प्रोडक्ट। अब बहुत एडवांस हो गई है हमारी आईपी, इतना सब कुछ ऐड कर दिया, शुरुआत में ये सब नहीं था। नेक्स्ट अभी सेवेंथ एडिशन भी आया 2014 आईपी का, ठीक, जो कि आईपीसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लगाया। तो अब करेंट एडिशन 2014 ही है शायद, मे बी कोई नया आया हो, मुझे चेक नहीं किया मैंने। तो आईपी इज़ प्रेजेंटेड इन 4 volumes, अब 4 volumes में आई। 2550 मोनोग्राफ्स हैं, 577 नए मोनोग्राफ्स हैं APIs पे, चूँकि इस दौरान अब नई ड्रग्स भी तो बहुत खोजने लगे भाई, MSc वाले, BSc वाले, ये सब लास्ट में घुसाते हैं भाई फार्मेसी में, क्या करेंगे नया ड्रग मॉलिक्यूल बनाएंगे। 8वां एडिशन 2018 में, अरे यार मैं भी क्या बोलता हूँ, 2014 मेरे पास खुद IP 2018 है एंड मैं कह रहा हूँ करंट 2014 चल रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि चीज़ें मैं भी कभी मिस्टेक कर देता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन। एंड मेरे पास एक स्पेसिफिक थिंग है कि 2007 वॉल्यूम से लेके आज तक के सारे वॉल्यूम्स हैं IP के, भले ही मिलेंगे नहीं यदि आप मांगेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अस्त हो गई बैचलर्स के ख़त्म होने के बाद। तो 8वां एडिशन IP का 2018 में आया। सो 2018 के साइलेंट फीचर्स लेके आया हूँ, और इसी 2018 वाले वॉल्यूम से मैंने ये मटेरियल निकाला है। इसमें 4 volume हैं, 220 नए मोनोग्राफ हैं, 170 नए केमिकल मोनोग्राफ्स हैं, 49 APIs और ऐड किए, 64 फार्मूलेशंस ऐड की, 53 फिक्स डोज फार्मूलेशन ऐड की हैं, 2 excipient, 2 antibiotic। वॉट इज़ excipient? जो टैबलेट में अदर देन टैबलेट डल अब अदर देन API डले होते हैं, 2 antibiotic, 15 new herbs। अब ये सब याद इसलिए करना है क्योंकि मैं DPharm फर्स्ट ईयर को भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक, और उनके लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। 10 blood and blood related products, 6 biotechnological, 2 vaccines ऐड हुई। अब जो नई IP आएगी उसमें ये कोवैक्सीन, स्पूतनिक, कोविड शील्ड और वो फाइज़र वाली, वो सब ऐड होंगी, तो फिर ये सब आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो जितना आता है तो पढ़ना ही पड़ता। अब करेंट एडिशन 2018 की बात नहीं कर रहा हूँ, अब बात केवल आईपी की कर रहा हूँ। तो आईपी कौन बनाता है और क्या क्या होता है वो सब कुछ इसमें लिखा है, जो चीज़ें अब तक मैंने वर्बली बोली वो सब यहाँ लिखनी है, ठीक, कि क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी पे ध्यान देते हैं। क्योंकि हम लोग जब इंडस्ट्री जाने का सोचते हैं ना, तो हमारा मेन फोकस होता है क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल चैप्टर ऑन वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर्स। अब ग्लासवेयर्स का भी स्टैंडर्डाइजेशन, अब ग्लासवेयर्स का भी, जो आपने अभी लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स किए होंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आपने लेबोरेटरीज तो देखी होंगी, क्योंकि जो जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है जनरली वो उस कॉलेज को घूमता है भाई है क्या। तो वो जो बोरोसिलिकेट ग्लास का बीकर रखा है ना, जो ग्लास जैसा लग रहा होगा बड़ा सा बीकर, वो ना उसका भी अब इंक्लूडिंग है आईपी में, जो नई वाली आई है, ठीक है। प्रोसीजर और एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एक्सीपिएंट्स, डोसेज फॉर्म एंड API, तीनों का, ठीक। आईपी हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड प्रोडक्ट्स ऑफ BT बायोटेक्नोलॉजी, BT माने बायोटेक्नोलॉजी, और कुछ फिक्स डेज कॉम्बिनेशन भी बताए गए, लाइक न्यू स्लाइड पैरासीटामोल, एसिलोफेनिक पैरासीटामोल, ये सब भी वहाँ मेंशन है। और बाकी सारी चीज़ें जो अभी पीछे थीं वो सब यहाँ फिर से ऐड हैं, कुछ चीज़ें यहाँ नई हैं, इम्प्योरिटीज़ ऐसे। DPharm वाले अगर इस वीडियो को देखने के लिए कभी आएंगे, लाइक क्योंकि कई ऐसे वीडियोस होंगे जो DPharm वालों के लिए भी ऐड रहेंगे बाद की प्लेलिस्ट में, जब मैं बैचलर की फार्मास्यूटिक्स पढ़ाऊँगा, तो वो लोग आके देखेंगे कि वो जो ऐसेज किए थे ना उनका रेफरेंस भी यहाँ है, स्टोरेज, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिक टेस्ट। और मे भी आप डिप्लोमा वालों को भी ऐसे करें, क्योंकि मैंने डिप्लोमा वालों का प्रैक्टिकल मोनोग्राफ नहीं देखा, डिप्लोमा मेरे लिए भी नया है अभी तक, मैं बैचलर को ही पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट, साइलेंट फीचर्स ऑफ आईपी। सो साइलेंट फीचर्स में कंटिन्यू जो चल रहा है हमारा, उसमें TLC वगैरह के बारे में, HPLC के बारे में भी चीज़ें हैं, जो कोग्नोसी में आप देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन और एस्टिमेशन, आइडेंटिफिकेशन इन सबसे होता है, तो ये सब भी वहाँ लिखे हैं, लाइक एक क्रूड ड्रग के बारे में भी आईपी में जानकारी है। नाउ वी विल जस्ट नो अबाउट USP एंड BP एंड देन वी विल फिनिश। USP FDA पब्लिश करता है, ठीक है, FDA के स्टैंडर्ड्स होते हैं, FDA के स्टैंडर्ड्स फॉर टेस्टिंग विटामिन एंड मेडिसिनल एजेंट, इंश्योरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट दैट कंट्रीब्यूट टू पब्लिक हेल्थ एंड वेलनेस। एंड USP हैज़ बीन द ऑथराइटिव ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू इंश्योर द कंस्टिट्यूएंसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड विटामिन।
यहाँ एक चीज़ ऐड है विटामिन। USP-NF इज़ अ बुक ऑफ पब्लिक फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स। इट कंटेन्स स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन, डोसेज फॉर्म, ड्रग सब्सटेंस, एक्सीपिएंट, मेडिकल डिवाइसेस एंड डाइटरी सप्लीमेंट। अभी हमारी वाली में मेडिकल डिवाइसेस ऐड नहीं है शायद, क्योंकि मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी आई थी और मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ पाऊँगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ BP। तो BP UK की है एज़ पर नेम। लंदन और UK में इनका, लंदन में है, लंदन जो है वो UK में पाया जाता है। लंदन और UK दो जगह नहीं है, ये मेरे बोलने का तरीका है, शब्द कभी कभी गलत हो जाते हैं इसलिए फिर से मैंने आपको बताया। तो नेशनल फार्माकोपी ऑफ UK भी बोलते हैं, और हम लोग अपनी IP को भी तो नेशनल फार्माकोपी ऑफ इंडिया बोल सकते हैं ना। तो बाकी सब ठीक है, चूँकि USP और BP के बारे में इतनी जानकारी की आवश्यकता नहीं है, आपके टॉपिक में मेंशन नहीं है, केवल नाम और थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो मैंने दे दी। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपको सबको पता है, तो आप मुझसे कोई भी कन्फ्यूज़न एंड कोई भी रिलेटेड क्वेरी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। DP और D-Pharma फर्स्ट ईयर साथ में चल रहा है, एक जैसा सिलेबस है, चूँकि D-Pharma के बाद ही आपको एग्जिट एग्ज़ाम तो देना है भाई, तो D-Pharma का सिलेबस ही आएगा ना भाई। आप 12th के बाद डिप्लोमा का एग्जिट एग्ज़ाम दिए थे, तो 12th का पूरा सिलेबस पढ़ के आना पड़ा था। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ी थी, तो DP वालों में वो एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों में वो नहीं रहेंगी। और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों को क्या था, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों के लिए कम नहीं रहेगा, मटेरियल को टाइप रहेंगी और बाकी सब चलेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।